गुड मॉर्निंग क्लास 5th स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 7 समझे कि नहीं में आगे का अभ्यास कार्य याद करेंगे। पहला है, देखिए सही का निशान लगाइए। स्कूल के स्नेह सम्मेलन में स्वागत भाषण किसे देना था? तो आपका सही उत्तर है शिक्षक मंत्री को। शिक्षक मंत्री महोदय का तकिया कलाम क्या था? समझे कि नहीं। सामने वाले की टांग पर जोर से धप्प मारने वाले सज्जन का तकिया कलाम क्या था? क्या कही। एक और सज्जन उनको मिले थे, उनका तकिया कलाम था क्या कही। अब है, किसने किससे कहा, मतलब ये जो कुछ वाक्य हैं पाठ में, तो ये बात आपको बतानी है किसने किससे कही। इसके लिए आपको ये पहले जरूरत है कि आप पाठ को अच्छे से पढ़ लें, तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि ये बात किसने किससे कही है। तुम लिखित भाषण ही पढ़ना, तो ये बात किसने किससे कही? शिक्षक मंत्री को। लेखक ने शिक्षक मंत्री से, किसने कही थी? लेखक ने, जो पाठ के लेखक हैं, उन्होंने शिक्षक मंत्री से। मैं कान पकड़कर कहता हूं, लिखित भाषण से एक शब्द भी इधर उधर नहीं जाऊंगा, ये किसने कहा था? शिक्षक मंत्री ने लेखक से, क्योंकि उन्होंने, उनको समझे कि नहीं बोलने की आदत थी, इसलिए मैं, उन्होंने कहा था कि मैं कान पकड़कर लिखित भाषण से एक शब्द भी इधर उधर नहीं जाऊंगा, तो ये बात किसने कही? शिक्षक मंत्री ने लेखक से। जा मासा को उठाए के चाय पिला, वो एक और व्यक्ति मिले थे, उनको उठाए के बोलने की आदत थी, तो ये किसने कहा था? पिता ने अपने बेटे शिवदास से। पान तो खाते जाइए, एक सज्जन मिले थे, उन्होंने लेखक से कहा था। आपके प्रस्ताव पर मैं विचार करूंगा, तो ये बात किसने कही थी? लेखक ने शिवदास के पिता से कहा था, क्योंकि वो जब ट्यूशन पढ़ाने की बात करने के लिए जाते हैं कि आपको ट्यूशन पढ़ाना है, तो शिवदास के पिता से कहा था। लेखक ने शिवदास के पिता से कहा कि मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगा। अब आते हैं आपके वाक्यों के सामने हाँ या नहीं लिखिए। तकिया कलाम वह वाक्यांश होता है जो बातचीत में अनजाने ही मुंह से निकल जाता है, तो ये बात सही है, हाँ। स्कूल में कवि सम्मेलन का आयोजन था? नहीं। शिक्षक मंत्री के समझे कि नहीं बोलते ही लेखक उनका हाथ दबा देते थे? नहीं, पैर दबाते थे वो। लेखक की भाषण लिखवाने की मेहनत बेकार गई? हाँ, क्योंकि उन्होंने तकिया कलाम बोलना छोड़ा नहीं, वो अपने भाषण की हर लाइन के बाद समझे कि नहीं बोलते ही रहे, इसलिए लेखक की जो भाषण लिखने की मेहनत थी वो बेकार गई। शिवदास की पढ़ाई की रिपोर्ट अच्छी थी? नहीं, शिवदास पढ़ने में अच्छा नहीं था। जांघ पर धप्प खाकर लेखक को पीड़ा होने लगी थी? हाँ, क्योंकि जांघ पर वो बार बार धप्प से हाथ मारते थे, तो लेखक को बहुत ही पीड़ा होती थी। अब है आपके वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए ये हैं आपके वाक्य, मजेदार। तो मजेदार, उन्नति, उन्नति में देखो बड़ी की मात्रा लगी है, छोटी की लगेगी तातरभूस पर। मजेदार में जा जहाज लगेगा। संगति, संगति में छोटी की मात्रा लगेगी तातरभूस पर। तबीयत में तब बा बकरी पर बड़ी की मात्रा आएगी। परंपरा में माँ मछली पूरी नहीं बनती है, र के ऊपर बिंदी आती है जिसका उच्चारण म से होता है, परंपरा। अभारी नहीं होता, आभारी होता है। प्रस्ताव नहीं होता, प्रस्ताव। पीड़ा नहीं होता, पीड़ा, बिंदी आती है इसके नीचे। ये देखिए, मजेदार, उन्नति, छोटी की मात्रा लगी हुई है त पर, परंपरा, र पर बिंदी लगी हुई है, आभारी, संगति, त पर छोटी की मात्रा है, तबीयत, प्रस्ताव, पीड़ा। तो ये सारे शब्द हैं, इस तरीके के कठिन शब्द हैं थोड़े से, तो इनको आप लिख कर देखिए और तभी आपको मात्राओं का ज्ञान होगा, तो आपको पता चलेगा कि इन, हमने जो मात्राओं की लगाने की जो गलती करते हैं वो देखो कितनी बड़ी होती है, और छोटी सी बिंदी, ये देखो
ड के नीचे बिंदी भी लगाना कितना जरूरी है, तब ये शब्द सही होगा, पीड़ा। ठीक है, तो अब आप इनको पढ़िए और याद करिए और लिख कर देखिए।